Hey guys, this is Keisho and welcome back to LiquorPie. So guys, for a man 69 might be a position, but for a gentleman 69 is always a VAT 69. So हाँ guys, आज हम लोग review करने वाले हैं VAT 69 Blended Scotch Whisky का. So ये रहा हमारा bottle, like box packing के साथ आया हुआ है. Box packing की अगर हम बात करें तो pack काफ़ी तगड़ा है. Bottle आपको का जो आउटर बॉक्स है काफ़ी तगड़ा आपको देखने को मिलेगा. सो यहाँ पे ऊपर जनरल इन्फॉर्मेशन लाइक द कंपनी वाज स्टार्टेड इन 1863 बाय मिस्टर विलियम सैंडरसन, जो आके एक लिकर कंपनी में पहले काम करते थे एंड लेटर ऑन ही क्विट हिज जॉब एंड स्टार्टेड मेकिंग अ ब्लेंड्स. सो इन 1863 ही स्टार्टेड दिस कंपनी. सो चलिए हम देखते हैं फर्दर हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है बॉक्स के ऊपर. नेट क्वांटिटी, अल्कोहल वॉल्यूम, दैट्स ऑल. एंड यहाँ पे सेल्स लेबल है. सो चलिए बॉटल हम ओपन करते हैं. देन पैकिंग काफ़ी डिफरेंट है इसकी, काफ़ी तगड़ी. सो ये रहा हमारा बॉटल. सो चलिए देखते हैं बॉटल के ऊपर हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है. सेम ब्लेंडेड स्कॉच विस्की, 40% ओके, डिस्टिल्ड एंड बॉटल इन स्कॉटलैंड. सो ये कंप्लीटली इम्पोर्टेड लिकर है स्कॉच विस्की. बॉटल के लुक की बात करें तो एक काफ़ी एक नॉर्मल बॉटल लुक है इसका, लाइक एक वाटर बॉटल भी आप बोल सकते हैं, शॉर्ट ऑफ वाटर बॉटल. ग्रीन कलर की बॉटल है इसकी, यहाँ पे सील है. सो चलिए बॉटल हम देन ओपन करते हैं. इसके नाम के पीछे काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लाइक इन 1882, सो कंपनी स्टार्ट होने के ऑलमोस्ट आफ्टर 20 ईयर्स, मिस्टर विलियम्स ने कुछ 100 टाइप ऑफ ब्लेंड्स रेडी किए थे स्कॉच विस्की के. सो आउट ऑफ विच 69th वैट, लाइक 69th कास्क, या फिर आप उसे बैरल भी बोल सकते हैं, 69th बैरल को हर एक विस्की एक्सपर्ट ने वोट किया था. सो बिकॉज ऑफ दैट इन्होंने इसका नाम आके वैट 69 रखा है. सो चलिए हम बॉटल देन ओपन करते हैं. यहाँ पे स्पिल प्रूफ नॉब है. स्मेल ऑसम, वंडरफुल. और ये नॉर्मल इंडियन विस्कीज के टाइप में नहीं है. इसका कैप आके स्टील, ये मेटल कैप है, नॉट स्टील भी नहीं बोल सकते, ये मेटल कैप है. सो आप इंडियन ब्रांड्स में देखेंगे तो ज़्यादातर इसमें प्लास्टिक कैप यूज़ किया जाता है, बट इट्स अ मेटल वन. सो चलिए हम ग्लास में निकाल लेते हैं इसे. देन एरोमा में आपको इन द बिगनिंग एक काफ़ी एक फेडिंग शॉट ऑफ फेडिंग टाइप एक स्पिरिट हिंट आपको मिलेगा. कैरमल, थोड़ा लाइट स्पाइसी. माल्ट एंड बार्ली एंड थोड़ा एक वीट का भी आपको हिंट मिलेगा. आप इसे जितना हिलाएंगे उतना ज़्यादा इसका स्मेल आके उभर के बाहर आ रहा है. एंड कलर देखेंगे तो ये आपको एक
गोल्डन येलो कलर में मिलेगा, लाइक हालांकि इसका एक ये एक ओरिजिनल कलर नहीं है, ये आके एडेड कलर है, इसमें आर्टिफिशियल कलर ऐड किए गए हैं, हालांकि इसका ओरिजिनल कलर नहीं है। सो चलिए अब हम इसे टेस्ट करके देखते हैं। चीयर्स। वंडरफुल। आपको गले भी पता ही नहीं चलेगा कि आपने कुछ पिया है, इट्स लाइक ए वाटर। काफ़ी 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 स्मूथ ब्लेंड है इसका, काफ़ी स्मूथ। स्कॉच फील आपको आएगा, जैसा कि ये स्कॉच ब्लेंडेड विस्की है। आमंड भी फील आएगा आपको, लाइटली आमंड, देन बार्ली माल्ट एंड कैरमल का स्मूथनेस भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। वंडरफुल। यहाँ के स्मेल करके ही आपको एक फील आएगा, लाइक समथिंग आप कुछ एक ब्रांडेड विस्की पी रहे हैं, बट ऑन थ्रोट आपको ये काफ़ी काफ़ी स्मूथ, ऐसा लगेगा कि आपने कुछ पिया ही नहीं है। फेडिंग स्पिरिट, बहुत 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 माइल्ड। हालांकि इसका अल्कोहल कंटेंट 40% है, बट जिस हिसाब से इसका टेस्ट है, जैसा ये फील दे रहा है, लगता नहीं है कि इसमें अल्कोहल कंटेंट इतना ज़्यादा होगा। सो ओवरऑल अगर हम इसे सम अप करें तो एक्सेलेंट विस्की अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से, हर एक विस्की अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से बेहतर होती है, तो ये विस्की अपने प्राइस सेगमेंट में, अपने प्राइस पॉइंट पे काफ़ी ही बेहतरीन है। एंड गाइस, अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। एंड आपने हमारे पुराने वीडियोस को काफ़ी सपोर्ट किया है, थैंक्स फॉर दैट गाइस। अगर ये रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन, एंड शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल द नेक्स्ट वीडियो, चीयर्स।